औरंगाबाद में तालाब खुदाई को लेकर दो गांवों के बीच हुई मारपीट और रोड़ेबाजी में दर्जन भर लोग घायल हो गए हैं। बताया जाता है कि तिवारीडीह स्थित एक जमीन के बड़े टुकड़े पर गांव के ही कुछ लोगों के द्वारा तालाब खुदवाया जा रहा था, लेकिन 73 गांव के लोगों ने उस जमीन को सरकारी जमीन बताते हुए अपना विरोध जताया, जिसके बाद दोनों गांव के लोग आपस में उलझ गए और नौबत मारपीट तक पहुंच गई, जिसमें कई लोग घायल हो गए। सभी घायलों को तत्काल बारून तथा नबीनगर PHC लाया गया, जहां सभी का उपचार किया गया। घायलों में से दो की हालत को गंभीर देखते हुए बेहतर इलाज के लिए चिकित्सकों ने उन्हें हायर सेंटर रेफर कर दिया। इधर घटना की जानकारी मिलते ही खैरा थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच में जुट गई। पूरे गांव तित्रहण आकर के हमारे गांव पर वार किया, इसके बाद फिर पथराव किया। इसे 8-10 आदमी हमारे के यहाँ घायल है। पहले से क्या विवाद था आप लोग के? पहले से विवाद था कि मेरे पोखरा खेत का मट्टी कट रहा था, जो कि वो लोग कह रहा है कि ना फील्ड का जमीन है। तो हमने कहा कि अगर फील्ड का जमीन होता तो हम नहीं कुछ करेंगे, हम अपना निजी जमीन में काट रहे हैं। इसके बाद उन 8-10 लड़के आए, जो कि ड्राइवर से JCB के लेकर के मेरे ऊपर तक डंडा बरसाया। एगो है सरकारी जमीन है, वो में माटी का भी पोखरा, अब पोखरा कटवे तो हम ले जाके कहें कि पोखरा अपना माटी मत कटे जा नापला, जबकि मकान उकान सब उन्हें बना ले तो वही जमीन में। अब हमने के कहे गेली बस वही जितना गलती समझौता करे सब।